नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग जो हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अर्थविद्या से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो या नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, हस्तरेखा, हर प्रकार की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। और जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करें तो उसका प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। इस बात की पुष्टि हमारे द्वारा पूर्व प्रसारित किए गए एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं कि लोगों ने वहां पर को अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप से प्रकट की हुई है कि उन्होंने आज उपाय को आजमाया और उसका प्रतिफल प्राप्त किया। आज भी हम आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर आए हुए हैं और अंत में बताएंगे सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने हेतु एक अत्यंत सरल आसान उपाय। सूर्य ग्रह वो ग्रह है जो हमें सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ दिलाते हैं, हमें राजपद बड़े अच्छे पदों पर वो पहुंचाते हैं, आत्मा कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, पिता से लाभ दिलाते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाते हैं। तो उनसे संबंधित एक छोटा सा बड़ा सरल सा उपाय जिसे नियमित करने पर चमत्कारी प्रतिफल हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि सरकारी सेवा आदि के लिए हम प्रयासरत हैं तो अवश्य ही हमें सफलता इस उपाय के माध्यम से मिल सकती है। तो बात करते हैं जन्म पत्रिका की, जिसका आज हम विश्लेषण करेंगे। यह जन्म पत्रिका है 1 दिसंबर 1978 को जन्म है, 5:50 शाम यानी PM का जन्म है। शाम को गुलबर्गा कर्नाटका गुलबर्गा का जन्म है, कर्नाटका में पड़ती है गुलबर्गा। तो यह जन्म पत्रिका में वृषभ लग्न है और धनु राशि है। वृषभ लग्न की पत्रिका है और धनु राशि जन्म पत्रिका की बनती है जातक की। तो बात करते हैं पहले ग्रह से। पहले ग्रह सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के सुकेश होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हैं। बुध अस्त और वक्री है तो बुधादित्य योग भी बनाया हुआ है और सूर्य मंगल का शुभ योग भी माना जाता है। तो कुल मिला के सूर्य ग्रह केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठे हुए हैं तो शुभ फलदायी हैं, पैतृक संपत्ति आदि का लाभ देते हैं, माता के कुल से भी कहीं ना कहीं लाभ मिलने की पूरी संभावना रहती है। और इसके अतिरिक्त जीवन में सुख सुविधाओं से युक्त व्यक्ति रहता है। भूमि, जमीन, जायदाद, मोटर वाहन, अचल संपत्ति आदि में व्यक्ति को पैतृक तौर पर प्राप्ति भी होती है और इसमें व्यक्ति वृद्धि भी करता है। तो कुल मिला के सूर्य ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में बहुत अच्छी है। अब दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जन्म कुंडली के तृतीय हैं, जिनके घर में गुरु बैठे हैं उच्च के किंतु वक्री है। तो तृतीय होकर चंद्र गुरु के घर में बैठे, यानी कि गुरु और चंद्र में स्थान परिवर्तन योग है। एक प्रकार से इसे गज के स्त्री योग भी हम कह सकते हैं। एक दूसरे के घर में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से गज के स्त्री योग भी बनता है। किंतु ये अष्टम भाव में होने से चंद्रमा व्यक्ति को पेट से संबंधित प्रॉब्लम, शरीर में खाया पिया कम लगना, बिल्कुल पतला शरीर, और इसके अतिरिक्त एलर्जिकल प्रॉब्लम, कम उम्र में बाल आदि झड़ जाना या शरीर में कुछ दाग आदि लग जाना, इस तरीके का रोग चंद्र ग्रह दे सकते हैं। पीलिया, टाइफाइड आदि रोग चंद्र ग्रह से होते हैं तो बार बार हो सकता है डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहे। तो इसलिए शिव आराधना करनी बहुत उत्तम रहती है। हम आप लोगों को कहते हैं कि चंद्र ग्रह यदि पीड़ा देता है तो उस शिव आराधना से बढ़कर कोई नहीं है। इसके अलावा घर में स्त्रियों के द्वारा, महिला माता के द्वारा या पत्नी के द्वारा पौर्णमासी का उपवास अवश्य होना चाहिए या सोमवार का उपवास अवश्य ही होना चाहिए घर में। तो इससे क्या रहता है कि चंद्र ग्रह के जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ता है, खराब प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो पड़ रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं आराम मिलता है और अशुभ प्रभाव वह नहीं देते हैं। तो चंद्र ग्रह पूजनीय ग्रह है। अब तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। जन्म कुंडली के मंगल ग्रह सप्तमेश हैं, यानी कि पत्नी के भाव के स्वामी है, स्त्री भाव के स्वामी है या पुरुष की कुंडली है। तो और साथ ही व्ययेश भी हैं, और मार्केश, यहाँ पर को मार्केश है, यहाँ पर को व्ययेश है, खराब भाव के स्वामी होकर अपने ही घर में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। एक प्रकार का मांगलिक दोष बनाया हुआ है, किंतु अस्त होने से मांगलिक दोष में थोड़ा सा कुछ कमी रह सकती है। जो मांगलिक कन्या, अगर इनका जब विवाह हुआ हुआ होगा, यदि लग्न में, चतुर्थ में या द्वादश में भी अगर मंगल हो तो विवाह चल जाता है ऐसे जातक का जिसके घर में मंगल बैठा हुआ हो। और अस्त हो मंगल तो व्यय भाव में, चतुर्थ भाव में, लग्न में भी मंगल मांगलिक माना जाता है तो चल जाता है। फिलहाल यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की स्थिति। मंगल ग्रह की स्थिति अपने ही घर में बैठे हैं, जातक को व्यापार आदि से लाभ देते हैं, संभवतः इनका व्यापार ही है। तो यह व्यापार के लिए, क्योंकि बुधादित्य योग भी बना हुआ है, मंगल भी अपने घर में बैठे हुए हैं,
तो व्यापार आदि के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन अस्त होने से मंगल ग्रह पूजनीय है, क्योंकि विवाह के उपरांत भाग्योदय कारक भी ऐसे मंगल माने जाते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करना हितकर रहेगा। स्वयं जातक को मंगलवार का उपवास करना, नियमित तौर पर 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना और वर्ष में एक बार अखंड रामायण का आयोजन करवाना, रामचरितमानस का, पूरा 24 घंटे का रहता है। तो ऐसा व्यक्ति करे तो मंगल ग्रह की कृपा जातक को प्राप्त होगी, व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति प्रगति करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जन्म कुंडली के धनेश है और पंचमेश है और सप्तम भाव यानी केंद्र में बैठे हुए हैं, अस्त भी हैं वक्री भी हैं। धनेश होकर और पंचमेश होकर, धनेश यानी धन के स्वामी, परिवार के स्वामी, मित्र बंधु आदि के स्वामी, तो इनके स्वामी होकर अस्त और वक्री होना खराब माना जाएगा, क्योंकि धन में कमी कारक होंगे, अच्छे मित्र नहीं मिलेंगे, शत्रु बाधा जीवन में रहेगी और परिवार के साथ विचारों का मिलन कम रहेगा। वाणी के कारक बुध ग्रह होते हैं और द्वितीय भी है, द्वितीय भाव वाणी से भी संबंध होता है, तो वाणी ऐसी रहेगी कि दूसरे व्यक्ति को से अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात भी होगी, तो काम बनने वाला भी होगा, तो शब्दों से हमारे कुछ ऐसा होगा कि बना बना काम भी बिगड़ जाएगा। वाणी में यहाँ संयमित व्यक्ति नहीं रहता है बुध के अस्त वक्री होने से। दूसरा पंचमेश से विद्या बुद्धि के स्वामी है, बुद्धि भी वैसी हो जाती है, बुध अगर अस्त वक्री होंगे तो बुद्धि भी सही कार्य नहीं करेगी, विद्या में जीवन में रुकावट रहेगी, या रुक रुक के विद्या प्राप्त होगी, या जितनी मेहनत हम करेंगे उतना फल प्राप्त नहीं होगा। तो बुध ग्रह भी पूजनीय ग्रह है, बुध ग्रह के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं, हम हर एपिसोड में बताते हैं कि किन्नर को दान करिए, उसके एक एपिसोड हमने पूरे में दिया है, 5 ग्रह प्रकार का दान किन्नर को देने से बुध ग्रह जनित पीड़ा दूर होती है। इसके अतिरिक्त गौ माता की सेवा करिए, रोज गौ माता को हरा चारा कुछ ना कुछ खिलाइए, जैसे मूली के पत्ते हैं, पालंग है, लाई है, इनके पत्ते क्या, हरा चारा कुछ भी खिलाइए। इसके अतिरिक्त भगवान गणेश की आराधना करिए, प्रतिदिन एक माला भगवान गणेश की जापिए, घर में गणेश भगवान की फोटो होती है, मूर्ति होती है, उसमें दुर्वा आदि चढ़ाइए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, हमने यूट्यूब पे दिए हुए हैं, उन सरल उपायों को आप आजमा सकते हैं अगर आपको इन उपायों में परेशानी होती है। तो बुध ग्रह पूजनीय है, बुध ग्रह जनित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। अब लोग कहेंगे कि पंचमेश होकर बुध ग्रह का रत्न पन्ना आदि पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। पन्ना पहना जा सकता है, लेकिन पन्ने से ज्यादा भी दूसरा कोई अन्य ग्रह अभी हम लास्ट में देखेंगे कि क्या बुध से भी बेहतर कोई फायदा दे सकता है, क्योंकि केंद्र के अंदर है, अस्त है, वक्री है, आराधना से ये ज्यादा फल देंगे, क्योंकि धनेश भी है पंचमेश भी है। तो पहले आप बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जन्म कुंडली के अष्टमेश हैं और लाभेश हैं और तीसरे भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री है। तो ये गुरु अष्टमेश राशि के स्वामी भी है, लाभेश भी है, एक प्रकार से गुरु सामान्य है, पूजनीय है, सामान्य पूजनीय है, सामान्य शुभ है, क्योंकि लाभेश होने से भी लाभ मिलता है और उच्च के है किंतु वक्री है, लेकिन तीसरे भाव में ठीक है, और चंद्रमा राशि के स्वामी भी है किंतु अष्टम में है। तो ऐसे में व्यक्ति को विशेष तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। पीलिया जैसा रोग जीवन में हो सकता है जो कि खराब होने पे हमें नुकसान भी दे सकता है। इसके अलावा पेट से संबंधित समस्याएं, सीजर ऑपरेशन आदि भी इसमें देखने में आता है। बाकी अन्य स्थिति गुरु की ठीक है, जीवन में लाभकारी है, पराक्रम से व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, अपनी बुद्धि विवेक से, लोगों के एकजुटता से, लोगों को एकजुट रखकर, या अपने लीडरशिप से व्यक्ति धन अर्जित करता है और लाभ प्राप्त करता है। तो गुरु ग्रह पूजनीय है, गुरु ग्रह के लिए भी घर में महिलाओं के द्वारा, पत्नी द्वारा, माता द्वारा गुरुवार का उपवास कुछ समय अवश्य कर लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण की कथा आदि करानी चाहिए, पीली वस्तुओं का, सफेद वस्तुओं का दान आदि देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए ये बताया गया है पूर्व में। और गुरु ग्रह जनित बहुत अच्छे अच्छे उपाय हमने बताए हुए हैं, कच्ची हल्दी, जंगली कच्ची हल्दी अपने पास रखनी चाहिए, ये चीजें बड़ी लाभकारी होती हैं, तो ये लाभ देती हैं। ये इसमें रत्न का वो नहीं रहता, रत्न तो भाई जो लगेंगे वही बताए जाते हैं, क्योंकि उनका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने में आता है, लेकिन जड़ी आदि का इफेक्ट देखने में, नेगेटिव इफेक्ट देखने में नहीं आता है। तो गुरु ग्रह पूजनीय है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के सब द्वितीयेश हैं और षष्ठेश हैं और छठे स्थान पर बैठे हैं, लग्नेश और षष्ठेश। लग्न यानी तनुभाव, यानी कि स्वभाव हमारा, स्वास्थ्य हमारा, घर परिवार हमारा, उसके स्वामी।
और छठा भाव रोग भाव, जो जीवन में कष्ट रोग हमें लगते हैं, शत्रु बाधा जो हमें जो उत्पन्न होती है, जो हमारे अगल बगल जिनसे हमें पीड़ा होती है, घबराए रहते हैं, एक सचेत रहना पड़ता है, उन सब के स्वामी होकर वहीं पर को बैठे हुए। तो कुल मिला के एक प्रकार से शुक्र ग्रह की स्थिति लगभग लगभग ठीक कही जाएगी, क्योंकि लगने से और छठी भाव अपने घर में बैठे हैं तो शत्रु नाशक रोग नाशक शुक्र अवश्य रहेंगे। तो यहाँ पर को जो अगर लगने से संबंधित समस्या वह दे सकते हैं, षष्ठे से संबंधित समस्या के लिए तो नाशक बने हुए हैं, क्योंकि खराब स्थान पर बैठे हैं। तो हो सकता है घर परिवार से किसान व्यक्ति के विचार ना मिले, घर परिवार से व्यक्ति अलग रह रहा हो, या कुछ पैतृक संपत्ति आदि व्यक्ति को कोई विवाद आदि देखने में आए, वहां पर कोई विवाद, ये चीजें रह सकती है शुक्र की। अन्यथा शुक्र ग्रह की स्थिति लगभग लगभग सही है, शुक्र ग्रह पीड़ादायक नहीं है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के कारक ग्रहों की श्रेणी में आने वाले ग्रह शनि ग्रह की, क्योंकि शनि ग्रह भाग्य से है और दशमेश से है और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। राहु के साथ नंदी योग बनाया है, किंतु अपने पिता सूर्य के घर में बैठे हैं जिनके साथ उनकी शत्रुता है। तो कुल मिला के एक एक जगह पे ही एक ही पॉइंट, यानी कि शत्रु घर में बैठे हैं, यही नेगेटिव पॉइंट है। बाकी भाग्य से है, दशमेश से है और केंद्र के अंदर चतुर्थ भाव में बैठे, केंद्र के त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठे हुए हैं, और राहु जैसे ग्रह के सामने नंदी योग बनाया हुआ है। तो शनि ग्रह बहुत अच्छे ग्रह है, शुभ फलदायी है, जीवन में समय समय पर भाग्योन्नति, भले ही कुछ भी रहे परिस्थितियां, लेकिन उन्नति होते रहती है, और समय के साथ मान सम्मान यश पद जो भी है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं तो उससे थोड़ा कम, लेकिन हमें संतुष्ट करने वाला मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा वो भी हमें प्राप्त होती है, और जितना हमें चाहिए भूमि जमीन जायदाद जो हमारी कल्पना होती है, जितना हमें रहने खाने पीने के लिए चाहिए, उतना शनि चतुर्थ भाव में बैठे व्यक्ति को देते हैं। तो शनिदेव को छेड़ना नहीं चाहिए, हो सके तो जब साढ़े साती ढैया महादशा आदि आए तो उस समय भी शनि ग्रह पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर पे जलाना चाहिए, इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हम हर एपिसोडों में आप लोगों को उपाय बताते जा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो लोग कर सकते हैं। लूला लंगड़ा कोढ़ी साधु संन्यासी अपाही जैसे व्यक्ति को अवश्य दान देना चाहिए, शनिवार हो या कोई अन्य वार हो, अगर आपको मिलता है, अगर रोज जब मिलते हैं तो वो शनिवार को दीजिए, लेकिन कभी कभी मिलने वाले को कभी भी दे दीजिए। इसके अलावा काला कौवा काला कुत्ता इनको अवश्य ही रोटी खिलाइए, हो सके तो घर में कुत्ता पालिए शनि के लिए, राहु के लिए घर में कुत्ता पालना बहुत अच्छा माना जाता है, डॉगी पालना लाभ मिलता है उससे। अब बात करते हैं राहु ग्रह की, चतुर्थ भाव में राहु है, दशम भाव में केतु है। चतुर्थ भाव के राहु थोड़ा सुख में कमी कारक होते हैं, जीवन में जो चीजें हमारे पास होती हैं सुख भोगने वाली, क्योंकि नंदी योग बनाया है, चीजें तो रहेंगी लेकिन उनके लिए समय नहीं निकल पाता। मान के चले बहुत आलीशान मकान है लेकिन रहने के लिए समय नहीं होगा, हम काम दूसरी जगह कर रहे होंगे, वाहन है चलाने के लिए समय नहीं होगा, कुछ ना कुछ जीवन में कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। अब बात करते हैं दशम भाव के केतु की, दशम भाव में केतु कारक हो जाते हैं। हम आपसे हर एपिसोड में कहते हैं कि लग्न में पंचम में भाग्य में दशम में राहु हो या केतु हो तो वह कारक ग्रह बन जाता है, और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार उससे नीचे रहती है, तो उसका रत्न यदि उससे संबंधित उपाय आदि किए जाए तो हमें चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त होता है, जो अन्य ग्रहों की आराधना उपाय रत्न धारण आदि से नहीं होता है, हर जगह से उनको लाभ देना वह शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर को केतु दशम भाव मुख्य भाव में बैठे हैं, जो मान सम्मान यश पद प्रतिष्ठा का होता है, तो केतु ग्रह जनित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, और भगवान गणेश की आराधना केतु के लिए बड़ी उत्तम मानी गई है, वह अवश्य करनी चाहिए, गणेश उपासक व्यक्ति में होना चाहिए। और लहसुन या रत्न केतु के लिए सबसे सर्वोत्तम उत्तम उपाय लहसुन या रत्न धारण कर लेना चाहिए। तो ये थे 9 ग्रहों का विश्लेषण। अब इसके बाद हम आगे बात कर रहे थे कि रत्न की कौन कौन से रत्न लगते हैं जन्म पत्रिका के अनुसार। जन्म पत्रिका के अनुसार पुखराज रत्न राशि का रत्न लगता है, भाग्य शनि का रत्न नीलम लगता है, लग्ने शुक्र का रत्न हीरा स्फटिक या जिरकन ओपल फिरोजा लगता है, और दूसरा पंचमेश का रत्न पन्ना व्यक्ति को लगता है। अब इन सब के हम टैली करें, देखो लग्ने का रत्न शुक्र अपने घर में बैठा है तो डायमंड आदि पहन के हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ फिरोजा हम पहन सकते हैं, फिरोजा हमें फायदा दे सकता है, लेकिन फिरोजा से भी बेहतर इस पत्रिका में रत्न निकल के आ रहे हैं। वो कैसे, शनि के रत्न की हमें जरूरत है नहीं, शनि अपनी जगह पे वेल स्थिति में बैठा है, शुक्र की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम शुक्र के रत्न पहन सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमें
कमी हो रही है, जो चीजें बताई घर से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, किंतु इसके अलावा बुध का रत्न पन्ना हमें जरूर लग सकता है। पन्ना क्योंकि बुध अस्त भी है, वक्री भी है, धनेश भी है, होने के लिए मार्केश होकर मारक भाव में बैठा हुआ है, लेकिन त्रिकोण का स्वामी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बलि माना जाता है त्रिकोण को, यानी कि एक प्रकार से लीडर माना जाता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसको ज्यादा बलि माना जाता है। तो यहाँ पर को अगर हम अपना बुद्धि विवेक लगाए, अगर हम हरापन, क्योंकि बुध का रंग हरा होता है और शुक्र से संबंधित जो फिरोजा रत्न होता है वो भी आसमानी और थोड़ा ग्रीन कलर में आता है, पन्ना हमें काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि पन्ना माणिक्य रत्न काफी कीमती होते हैं मार्केट में जो आते हैं वो। खाली अगर हमारा बजट, हम अमीर आदमी है तो अलग बात है, हम पहन सकते हैं, वो भी पहन सकते हैं, डायमंड भी पहन सकते हैं, फिर फिरोजा काहे को पहनना है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए यदि देखा जाए तो यहाँ पर को क्या करना चाहिए, जो बुद्धिमत्ता का कार्य है, तो हमें हरा फिरोजा पहनना चाहिए, जिसे निशापुरी फिरोजा कहा जाता है, हरा फिरोजा, जो बुध का और शुक्र दोनों का कॉम्बिनेशन, बुध के क्योंकि फिरोजा शुक्र के लिए हो गया और ग्रीन कलर जो उसमें ग्रीननेस होगी वो बुध की आ जाएगी, तो वो हमें चमत्कारी लाभ देगा। लेकिन उससे पहले लहसुनिया, लहसुनिया और फिरोजा, ग्रीन फिरोजा यदि इस जन्म पत्रिका का जातक धारण करेगा तो लाइफ टाइम स्टोन है, लाइफ लॉन्ग, जीवन भर के पहनने वाला, कभी भी इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने में नहीं आएगा, चमत्कारी प्रतिफल ही प्राप्त होएगा, तो ये धारण किया जा सकता है। ये हमारे अपने निष्कर्ष से हम बता रहे हैं, वैसे सामान्यतः कोई भी पंडित जी लोग इसमें यही कहेंगे कि नीलम पन्ना डायमंड पुखराज रत्न धारण करें, और हम आपको लिख के दे देते हैं, यदि ऐसी स्थिति में किसी, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा आपकी पत्रिका में भी यही स्थिति किसी की मिलती जुलती होगी, रत्न पहन के कोई फायदा नहीं हुआ होगा, वहीं पर को आप फिरोजा पहन लीजिए किसी अच्छे गुरु जी से गणित करवा कर कितने रत्ती कितने कैरेट का, क्योंकि वजन बढ़ता रहता है घटता रहता है, उम्र प्रतिदिन बढ़ते रहती है, तो जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही कैरेट निकलता है, रत्ती बाहर निकलता है, पूर्व के एक एपिसोड में हमने आप लोगों को ये बताया हुआ है। तो लहसुनिया रत्न सर्वप्रथम नंबर एक में, नंबर दो में निशापुरी फिरोजा, हम यही राय देते, तो बुध जातक को धारण करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार का उपवास करना चाहिए, वर्तमान में 2021 से 2028 तक मंगल की ही महादशा भी है, तो मंगल ग्रह की आराधना करने से काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल ग्रह व्यय से, कोर्ट कचहरी मुकदमा व्यय आदि से, व्यसन आदि से मुक्त रखेंगे। दूसरा सप्तमी से दाम्पत्य आदि जीवन में, क्योंकि मांगलिक दोष है तो दाम्पत्य जीवन आदि में कभी कटुता नहीं रहेगी, बढ़िया तरीके से दाम्पत्य जीवन भी चलेगा, व्यापार आदि भी चलेगा। हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि सूर्य ग्रह जनित उपाय के लिए, सूर्य ग्रह देखिए कभी अस्त नहीं होते हैं, सूर्य ग्रह कभी यहाँ आज हमारे हिंदुस्तान में अगर 5-6 बजे 6 बजे अस्त हो गए हैं तो धीरे धीरे वह अमेरिका में चले जाते हैं, हमारे यहाँ रात्रि होती है तो अमेरिका में दिन होता है, तो सूर्य भगवान कभी अस्त नहीं होते हैं। अब बहुत से ज्योतिष लोग कहते हैं कि सूर्य उदय होने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, दे सकते हैं जो लोग आराम से उठते हैं दे सकते हैं, लेकिन यदि सूर्य ग्रह का फल प्राप्त करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही, जब दिशाएं खुल जाती हैं कहा जाता है, जब हम चारों ओर सुबह अंधेरे में देखते हैं कि रोशनी नजर आती है चारों ओर से, जिसे दिशा खुलना समय कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त के बाद होता है, लगभग लगभग ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद दिशा खुलनी शुरू होती है, तो उस समय पे भगवान सूर्य को नहा धोकर पवित्र जल ताम्र पात्र से चढ़ाया जाए और नियमित ऐसा किया जाए तो अति शीघ्र ही चमत्कारी परिणाम सूर्य ग्रह के देखने में आते हैं, ऐसा बताया गया है। और इसमें भी एक चीज और आपको बता देता हूँ कि किसी ऐसे वृक्ष पे, ऐसे फूल के वृक्ष पे, पेड़ पे जल चढ़ाया जाए जिसमें लाल फूल, पीले फूल, कांटे रहित फूल का पेड़ होना चाहिए, पीले फूल सफेद फूल आते हो, उसको कुछ अपनी कमर के बराबर की हाइट में वो गमला होना चाहिए, ताकि उसमें डाले गया पानी का छींटा अपने पाँव में ना आए, या फिर उसको इतना नीचे रखे कि उसके छींटे नीचे ही रह जाए, बहुत डाउन में हो, जैसे कि ये टेबल है, टेबल के नीचे हम टेबल में खड़े हैं और वो नीचे, ताकि उसके छींटे हमारे शरीर के कमर से नीचे के अंग तक ना पहुंचे, तो ऐसी जो स्थिति बनाते हुए जल दिया जाए और ब्रह्म मुहूर्त में जल दिया जाए, 1 महीने के भीतर सूर्य ग्रह के चमत्कारी परिणाम देखने में आएंगे, और नियमित करने पर ऐसे जातक को अवश्य ही सरकार से लाभ मिलता है, माथे में तेज रहता है, बड़े बड़े अधिकारी तक व्यक्ति की नजरें टिकाए देखते हैं जो सूर्य उपासक होता है,
तब लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को हम बताते हो, कहते हैं कि उसमें तो सूर्य उगा ही नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं, सूर्य भगवान कभी अस्त होते ही नहीं, लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में जल देते हैं, जिसका बहुत बहुत बड़ा महत्व है, सूर्य उदय होने के बाद भी जल देने का महत्व है, लेकिन जैसा शास्त्र कथनानुसार उसका असली महत्व वहीं पर हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात जब दिशाएं खुल जाती हैं, या ब्रह्म मुहूर्त में आप दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है सूर्य ग्रह का, संभवतः अगर कोई पीड़ा है सूर्य ग्रह जनित तो अवश्य ही आप कर सकते हैं। तो ये कुंडली विश्लेषण का एपिसोड कैसा लगा और सूर्य ग्रह जनित उपाय कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कभी भी कहीं भी कैसे भी आपके काम आ सकती है जानकारी, किसी भी चीज की हो, ज्योतिष की हो या धर्मशास्त्र की हो, हमारे काम ही आती है। समाज में कहीं पर हम बैठे होते हैं, कोई चीज ऐसे जिक्र आ जाता है, तो वहां पर हमारा ज्ञान अगर हमारे पास है तो हम लोगों को बता सकते हैं, कई लोगों का हो सकता है उस जानकारी से भला हो। तो ज्योतिष की जानकारी एक ऐसी जानकारी होती है जो लोगों का भला करने वाली होती है, आदमी को एक बार पीड़ा में होता है तो दूसरा आदमी को पता है भाई ये कर ले, ऐसा बताया गया है, लाभ मिल जाता है, तो आदमी जीवन भर गुणगान करता है। तो यही थी बात, तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो अब पुनः हम आपसे कहेंगे कि आगे बढ़ाकर जरूर शेयर करिए। इस अवधि हम लगातार आप लोगों के लिए कुंडली विश्लेषण के एपिसोड नियमित तौर पर ला रहे हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।